Assalamualaikum, आज हमारा इस्तांबुल में डे 7 और अभी सुबह के बज रहे हैं 12 ऑलमोस्ट और मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी से लाजमी लग रही है। अभी हम जा रहे हैं तकसीम और तकसीम जाएंगे, फिर इस्तिक्लाल जाएंगे और शॉपिंग करनी है थोड़ी सी आज और थोड़ा सा घूमना है, तो अभी फटाफट से चलते हैं। आज हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट डे है, कल वापसी है, तो आज सोचा कि थोड़ा सा फिरा जाए, घूमा जाए। फ्री डे वैसे तो कोई ऐसा टूर प्लान नहीं है, तो अभी शॉपिंग करेंगे, फिर शाम को होटल जाके पैकिंग करेंगे। और आज नाश्ते की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, लाइक फुली 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 पैक्ड वो था सब कुछ, तो वैसे कुछ आज खास था भी नहीं नाश्ते में। तो अभी हम जाएंगे थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, आपको भी दिखाएंगे, लेट्स गो। इस साइड पे आगे जाके हमारा टैक्सी स्टैंड है जहाँ से हम आते हैं, और ये सामने शुरू हो जाता है तकसीम, और राइट साइड पे है यहाँ पे इस्तिक्लाल। तो अभी तो फ़िलहाल एक तरफ पहले हम जाना है तकसीम, उसके बाद जाएंगे हम इस्तिक्लाल वाली साइड पे। और ये शॉप्स बनी होती है यहाँ पे, शॉप्स वगैरह और मार्केट्स वगैरह, और ये मस्जिद है इतनी खूबसूरत, इसका व्यू आता है कहाँ से। ये सामने है जी तकसीम स्क्वायर, ये साइड में सारी शॉप्स बनी हैं। सारे टर्किश लोकल शवरमास हैं, डोनर कबाब्स हैं। हमने वैसे यहाँ से खाया था पहले दिन बारिश बुफे से, सही था एवरेज। और ये अब इस्तिक्लाल शुरू हो जाती है, इस साइड पे तकसीम है, ये इस्तिक्लाल शुरू हो गया, और अभी यहाँ पे दो तीन शॉप्स विजिट करेंगे। ये पता नहीं क्या सीमेंट से रहा है, इनकी बर्गर शॉप टाइप कुछ है, और इनके टर्किश कैफेज और मिठाइयाँ और सारा कुछ हाँ आज खाएंगे। वैसे प्रिंसेस आइलैंड की आइसक्रीम बहुत अच्छी थी, सबसे मज़ेदार वहाँ की थी। लकोस्टे पे जाते हैं एक दफ़ा देख के अपने कैसी में। ये हमने शॉपिंग कर ली है डिफेक्टो से और यूएस पोलो से, और पोलो का तो ये सीन है कि मैं रोज़ जाती हूँ और रोज़ कोई ना कोई कहता है मेरे लिए भी, मेरे लिए भी, मेरे लिए भी। और ये इनकी ट्रैम जा रही है, और ये मैडम तो शॉर्ट्स हम रोज़ सोचते हैं यहाँ जाएंगे लेकिन फिर टाइम नहीं होता, और अभी भी टाइम शॉर्ट है। तकरीबन इस टाइम 2 बज रहे हैं, हमने 3 बजे वापस होटल जाना है, वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करेंगे और फिर आएंगे वापस यहाँ पर। चल ली है 300 रुपये की, और ये कभी नहीं दे रही थी जब से मैं कह रही हूँ, नहीं चल्ली नहीं खा रही है। सिफोरा में गई थी, मुझे कुछ अच्छा मिला नहीं तो इस वजह से मैंने लिया नहीं, तकरीबन सारी चीज़ें ख़त्म थी। और टूरिस्ट स्पॉट का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है, साइज़ बहुत मुश्किल से मिलता है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। और अभी बस स्टारबक्स का दिल है कि वहाँ चलें, स्टारबक्स पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई कोल्ड कॉफ़ी टाइप पीते हैं वहाँ जाके। लेट्स गो। What?
गाइस स्टारबक्स आ गए, लेट्स गो इनसाइड। गाइस हमने शॉपिंग कर ली है और स्टारबक्स पे कॉल की भी है, मुझे अभी तक नहीं आई है। केले भी ले लिए, मम्मा ने पकड़े हुए हैं ये। और यहाँ से हमने सिम ली थी और वहाँ से करेंसी चेंज कराई थी सबसे पहले दिन। और ये जो सामने आपको येलो से नज़र आ रहा है, ये हमारा टैक्सी स्टैंड है ये वाला। और यहाँ पे हमें उतारा था शटल वाले ने हाँ किया। तो यहाँ से फिर हमने साथ ही सिम भी ले ली, करेंसी भी ले ली। और यहाँ पे हम अपनी शटल का इंतज़ार कर रहे हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे व्लॉग गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग एंड बाय।